मामा जी, मैं आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करती हूँ। मेरे मन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा मान है, एंड स्पेशली आज के बाद, आज जिस तरह से आपने मामी जी की तारीफ की है ना, मेरे मन में आपके लिए और भी ज्यादा मान बढ़ गया है। सच में आप बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो, और हमारे देश में एक अच्छा हस्बैंड तो वही होता है ना जो अपनी पत्नी के योगदान को कभी स्वीकार ना करे और उसके आत्मविश्वास को उसको तो बस कुचल के ही रख दे। करेक्ट मामा जी? मामा जी, जब मामी जी से आपकी शादी हुई थी तो आपको पता था ना कि वो एक गांव से आती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, पता था ना मामा जी? या फिर आज पता चला? अगर आपको उनके ना पढ़े लिखे होने का इतना ही दुख था तो आप एक किताब ले आते ना मामा जी, मामी जी को बिठा के कुछ पढ़ा देते। मामी जी ने आपके लिए कितना कुछ किया है, आपने उनके लिए क्या किया है? ये कपड़े, ये गहने, इतना बड़ा घर। बस यही नहीं चाहती एक औरत, वो और भी बहुत कुछ चाहती है। और देखिए ना, मामी जी तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी आपकी गलतियों पे उंगली नहीं उठाई, आपका कभी दूसरों के सामने मजाक नहीं बनाया। और आप तो पढ़े लिखे हो, क्या पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी का दूसरों के सामने मजाक बनाते हैं, उनका उनका मजाक उड़ाने में गर्व महसूस करते हैं? आई एम सॉरी मामा जी, लेकिन संस्कारों की पढ़ाई में आप फेल हो गए।